इस वीडियो में आपको बताऊंगी सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट कर। देखिए ये वीडियो मैं सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, उनका कहना है 38 साइज का सिंगल कटोरी को डबल कटोरी कन्वर्ट करना बताएं। तो जैसे मैंने ये सिंगल कटोरी ब्लाउज कट कर लिया है, कटोरी ब्लाउज कैसे कट करते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज है जैसे मैंने बता दिया आपको। अभी मैं इसकी मार्किंग बता देती हूँ। देखिए जो ये पार्ट है ये इसका सेंटर है नीचे का जो कटोरी का। अब सेंटर से हम 3.5 इंच लंबी प्लेट की एक मार्किंग कर लेंगे, तो लंबाई तो 3.5 इंच रहेगी। अब इसकी जो चौड़ाई लेनी है प्लेट की वो 3 इंच रहेगी, तो 1 इंच आपका इस साइड से जाएगा 1.5 इंच और 1.5 इंच इस साइड से जाएगा दोनों साइडों से, और 1.5 इंच पे हम यहाँ पे इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देंगे प्लेट की। तो ये देखिए नीचे वाली प्लेट हमारी कम्प्लीट हो जाएगी। अभी हम देते हैं इसको डबल कटोरी में कन्वर्ट। तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। देखिए जैसे ये 4.5 इंच है हुक पट्टी, सेंटर पट्टी जो है यहाँ पे 2.25 इंच आ जाएगी आधा। अब यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से शेप में गोलाई में आप डॉट लगा लें। अब यहाँ से इस तरीके से आप इसकी शेप ले, जैसे इस तरीके से डॉट लगा लें, उसके बाद आप इसको इस तरीके से डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते। ये मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ, आप अगर अस्तर वाला बना रहे हैं तो पहले अस्तर के साथ तैयार कर लें उसके बाद अस्तर में प्लेट डालें। तो देखिए इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे ये पूरा राउंड हो जाएगा। जैसे कि डबल कटोरी, कटोरी का एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट नीचे का होता है, उसके बाद नीचे की ये बेल्ट रहेगी। तो इसकी फिटिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं बिना अस्तर का बना रही हूँ जैसे, तो इसी मार्किंग पर मैं यहाँ पर प्लेट डाल दूँगी। पहले ये प्लेट स्टिच करूँगी उसके बाद इस। देखिए अभी हम प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो ये नीचे वाली प्लेट है इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए ये कटोरी रख ली है और इसका जो साइड का पार्ट है इसके ऊपर रख लेंगे। ये साइड का पार्ट भी स्टिच हो चुका है, अभी हम इसमें बेल्ट अटैच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 2 बेल्ट कट कर लिए हैं, एक बेल्ट को तो हम इसके ऊपर रख लेंगे और एक नीचे की तरफ रख लेंगे। इससे क्या है डबल बेल्ट लगाने से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और एक इधर रख लेंगे और इसकी जो सिलाई है वो भी गुम रहेगी तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग। देखिए इसको मैंने पलट दिया है और अभी किनारे पे सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग हो चुकी है और देखिए जो हमने ये डबल पट्टी लगा दी है तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है। अभी यहाँ पे हम, मैं इसमें बटन लगाने वाली हूँ इसीलिए यहाँ पे कांच पट्टी लगेगी। इसके लिए मैंने क्रॉस में पट्टियाँ कट कर ली थी, जॉइंट भी कर लिया है साइज़ के अनुसार, और इन पट्टियों को मैं यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग। स्टिच कर दिया है और किनारे पे एक सिलाई डाल देंगे बाद। तो देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी को फोल्ड कर दिया, अंदर तुरपाई कर दूंगी और देखिए यहाँ पे हमारे काज बन जाएंगे और राइट साइड में बटन आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी शेप है कितनी अच्छी आ रही है, कप साइज कितना अच्छा आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में, देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच डाल दिया है और कमर में भी लेस लगा दिया है। अभी जो हमने ये बटरफ्लाई तैयार करी है इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से बीच में रखते हुए तो इसका लुक देखिए कितना सुंदर आएगा। यहाँ पे आप सेम कलर धागे से इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे बना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।